गाजियाबाद पुलिस ने दो मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 70 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए चोरों ने बताया कि वो लोग दुकानों में रेकी कर मोबाइल चुराते थे, फिर उन्हें ऑनलाइन बेच देते थे। बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इकबाल अंसारी ने कहा कि जिस तरह से प्रवीण तोगड़िया अयोध्या में हलचल कर रहे हैं, उससे उनकी जान को खतरा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की, और तोगड़िया जी अयोध्या आए हुए हैं, इससे पहले इनके ऊपर जो है फाउंडेशन लगा था, अयोध्या में आ गए हैं और अयोध्या में भीड़ बढ़ रही है। सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल में एक महिला को अस्पताल से नवजात बच्चे को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। नोएडा में सवारियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना में कई लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई साधु की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 साधुओं को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए साधुओं ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या की वजह बाबा की कुटिया में रहने को लेकर बताई गई है। दिनांक 18/10/18 की शाम को बाबा श्यामदास त्यागी की शाहबाद में हत्या हो गई थी। उस संबंध में वर्कआउट कर लिया गया है। रात्रि में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया शाहबाद पुलिस के द्वारा। इसमें टीमें हमारी लगी हुई थी, जिसमें एक का नाम बाबा रामफल भारती है और दूसरे का नाम बाबा गंगागिरी है। इनसे आलाकतल फरसा बरामद किया गया है इनसे, और इनको अरेस्ट कर लिया। आगरा में रेस्टोरेंट के उद्घाटन पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राज बब्बर ने भाजपा को जाति की राजनीति करने वाली पार्टी बताई है, साथ ही कहा कि 4.5 साल में पीएम मोदी ने सिर्फ झूठ बोला है। अमेठी के मोहनलालगंज में पुलिस ने बाइक चोरों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से 15 चोरी की बाइक बरामद की है। वहीं एसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बागपत जिले में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने व्यापारी को लूट का विरोध करने पर गोली मार दी, साथ ही बदमाशों ने व्यापारी से 4 लाख रुपए कैश भी लूट लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर पहले एक लूट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यापारी और उनके लड़के अपने घर जा रहे थे। दुकान बंद करने के बाद लड़के को पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि 2 अपराधी आए थे जो पैदल थे, उन्होंने आँख में मिर्च झोंकी और बैग छीनने का प्रयास किया, और इनके द्वारा रेसिस्टेंस जब की गई तो उस दौरान व्यापारी के लड़के को गोली मारी गई, जो गोली उनके पैर में लगी है। इनका इलाज चल रहा है। घटना में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके हम लोग शीघ्र इसका अनावरण करेंगे और दोषियों की गिरफ्तारी और बरामदगी सुनिश्चित कराएंगे। सहारनपुर में नवविवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना नागर क्षेत्र में एक महिला के संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस संबंध में पंचायत मामला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई सम्पन्न की जा रही है। इलाहाबाद जिला अधिकृत तौर पर प्रयागराज घोषित हो गया है। इसको लेकर डीएम ने अधिसूचना जारी कर अधीनस्थ कार्यालयों के नाम बदलने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने विधि न्यायालय में पहले दायर वादों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कुंभ क्षेत्र के कई कार्यालयों में प्रयागराज लिखना शुरू भी हो गया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने धारा 144 की धज्जियां उड़ाई। बता दें, प्रवीण तोगड़िया ने जनसभा कर लोगों को संबोधित किया। प्रवीण तोगड़िया ने संबोधन में कहा कि राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं, और हम राम मंदिर के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं।
मैनपुरी में लहसुन व्यापारियों ने चोरियों से परेशान होकर लहसुन मंडी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे पूरी मंडी में व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते व्यापारियों का कहना है कि कई बार प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बागपत में एक फोटो स्टूडियो की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके चलते दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद लोगों ने ही आग को बुझाने की कोशिश की। शाहजहांपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस बाकी लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने खुलासा करने वाली टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है। 7/10/2018 की रात्रि में सदर बाजार में एक मकान में कुछ बदमाशों ने घुस के वहां लूटपाट की घटना की थी। इस संबंध में थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें हमारे तब से टीम गठित करके इसका अनावरण का प्रयास चल रहा था, तो हमारी टीम को सफलता मिली है। इसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर में 8 दिन पहले निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हादसे में जहां अब तक 5 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं पुलिस मुकदमे में राजनीतिक दबाव के चलते स्कूल मालिक, आर्किटेक्ट और इंजीनियर पर शिकंजा कस नहीं पा रही है। बागपत के कस्बा बड़ौत में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां टेम्पो ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को कुचल दिया, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में महिला को भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बढ़ते हुए मोरंग के दाम को कम करने के लिए जालौन में डीएम ने ट्रांसपोर्टरों और पट्टा धारकों के बीच बैठक बुलाई, जिसमें डीएम ने खादानों से मानक के हिसाब से मोरंग भरवाने के प्रस्ताव को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। रामपुर में 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 2 लोग घायल भी हो गए।